मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के वायरल वीडियो के मामले पर पलटवार किया है। तरुण भनोट ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय सोच समझकर ही बोले, तभी उनका सम्मान कायम रह पाएगा। जब चाहे कांग्रेस सरकार गिरा देने के बयान वाले कैलाश विजयवर्गीय के वीडियो पर बोलते हुए तरुण भनोट ने कहा कि अहंकार में डूबे भाजपा नेता मध्य प्रदेश में अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं और ऐसे नेताओं को कम से कम भगवान से तो डरना ही चाहिए। तरुण ने कहा, भाजपा को मध्य प्रदेश की जनता के आदेश का सम्मान करना चाहिए और 5 साल विपक्ष में रहकर सत्ता की खातिर अगले विधानसभा चुनाव का इंतजार करना चाहिए। वहीं मंडला, ढिंडोरी और नरसिंहपुर जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए तरुण भनोट ने जबलपुर में मीडिया से चर्चा में कहा कि आदिवासी बहुल इन जिलों में विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार खत्म करना बड़ी चुनौती है। तरुण ने कहा कि आदिवासी कल्याण और विकास से जुड़ी योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग करना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही वो मंडला जिले में तेजी से फल फूल रहे अवैध शराब के गौरव धंधे पर नकेल कस के दिखाएंगे। जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। तो उनको यही कहूंगा कि राकेश सिंह जी, अभी आप अपने चुनाव की चिंता कीजिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि कर्ज उठाना गलत बात नहीं है। अगर आप कर्ज ले रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश के विकास में उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं में उनको ईमानदारी के साथ खर्च कर रहे हैं, तो करना चाहिए। पर कर्ज लेकर कम्बल ओढ़ कर अगर घी पी रहे हैं तो ये गलत बात है। कैग की रिपोर्ट सदन में रखी गई, हम चाहते थे कि उस पर चर्चा हो, चर्चा नहीं की गई, सदन से वॉकआउट कर दिया गया, सदन की कार्रवाई को बार बार बाधित किया गया। 6,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की अनियमितताएं हुई हैं, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम उसकी जांच करा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बड़ी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ ऐसे मामलों की जांच करेंगे जिसमें पब्लिक के पैसे को लूटा गया है सुनियोजित तरीके से। और साथ ही मध्य प्रदेश की समस्त जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद हम सब मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार के कर्ज का बोझ नहीं आने देंगे। जहां जरूरी है वहां के नए स्रोत पैदा करेंगे और उन चीज़ों के ऊपर कर बढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे सीधे जनता को नुकसान या वो बोझ नहीं उठाना पड़ता। परंतु पैसे के अभाव में मैं ये भी कहना चाहूँगा, ना हम मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को बंद होने देंगे, ना जन कल्याणकारी